नाउ चैप्टर नंबर 14, व्हेन द अर्थ शुक। शुक मींस यहाँ पे शेक होता है, शेक मतलब क्या होता है बेटा, हलना। ठीक है, उसका वर्ब टू होता है हमारा शुक। तो जब अर्थ जो है हल गया, अर्थ कब हलता है बेटा, जब कभी भी अर्थ क्वेक आता है तब। ओके, तभी ये अर्थ जो है हलता है। ठीक है, या जो भी हम लोग अर्थ क्वेक होता है, तो जब भी जो भी बेटा नुकसान होता है या कुछ भी होता है, तो उसके टाइम पे अर्थ शुक मतलब जब भी वो हलता है उसे हम। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि स्टोरी है कि कब जब अर्थ हला तो उनके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फर्स्ट विल स्टार्ट अ बैड ड्रीम। तो कोई ड्रीम है बेटा जो बहुत बुरी है, अब कौन देख रहा है आगे हमको पता चलेगा। तो विल सी ओवर हियर, हेल्प हेल्प सेव मी, आओ, देर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, द ग्राउंड मीन्स लैंड वॉज शेकिंग एंड पीपल रनिंग वर रनिंग ऑल अराउंड। ओके, यहाँ पे कोई ड्रीम देख रहा है जो बहुत ही बुरी है, तो वो चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प। ओके, देयर वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, तो लोग स्क्रीम कर रहे, चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं सभी जगह पे, एवरीवेयर। ओके, द ग्राउंड लैंड, ओके, तो जो ग्राउंड है मतलब जो लैंड है वो शेकिंग, तो क्या हो रहा है, शेक हो रहा है, शेक मीन्स यहाँ पे हल रहा है। एंड पीपल वेयर रनिंग ऑल अराउंड, और लोग क्या है इधर से उधर भाग रहे हैं। जो यहाँ पे बेटा हमको ये जो पिक्चर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो कि जो लोग है बेटा, एनिमल्स है, ठीक है, ये जो भी है, तो ये इधर से उधर भाग रहे हैं। यहाँ पे बेटा एनिमल्स भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो अच्छे से कि ये लोग जो है इधर से उधर भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं, और पीछे जो घर है बेटा वो कैसे गिर गए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, और ऐसा जोर से चिल्ला के वो जो जो सपना देख रहा था बेटा वो उठ गया। On hearing my voice, my mother also woke up. Okay, तो ये सुन के, उसकी voice सुन के, उसकी mother भी क्या हो गई, woke up हो गई, उठ गई। She came running and hold me tightly. वो भागते हुए आई और उसे tightly पकड़ लिया। It was the same bad dream. तो ये उसे वापस से दोबारा से same bad dream आई, मतलब बुरी बुरा ख्वाब आया। Now it has been more than 18 years since the earthquake. तब उनके यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, लेकिन कितने साल पहले आया था, 18 years पहले। Okay, since the earthquake, 18 years, 18 साल हो गए, फिर भी उसे वैसे सपने आ रहे थे। But in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. तो उसे अभी भी उसकी स्लीप में, मतलब उसे अभी क्या है, ड्रीम में क्या आता है कि अर्थ जो है शेक हो रहा है और ट्रेम्बल हो रहा है, ट्रेम्बल मतलब हल रहा है, शेक। ओके, आई एम जस्मा, तो उसका नाम क्या है, जस्मा है। ठीक है, आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, तो कहाँ पे रहती है बेटा, कच्छ एरिया, कच्छ में रहती है। ओके, जो कहाँ पे आया हुआ है बेटा, गुजरात स्टेट में आया हुआ है। आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, तो जब अर्थक्वेक आया था तो उसकी उम्र क्या थी बेटा, 11 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो तब उस वक्त अर्थक्वेक आया था। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज जनवरी 26, 2001, तो उस दिन की डेट क्या थी, जनवरी 26, 2001। एवरी वन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी। तो 26 जनवरी थी, तो 26 जनवरी का हमको सबको पता है कि रिपब्लिक डे होता है, तो उस दिन सब लोग क्या करते हैं, टीवी पर परेड वगैरह देखते हैं जो कि दिल्ली में होती है। तो उनके गांव में से भी चिल्ड्रन मतलब बच्चे एंड ओल्ड पीपल और जो बूढ़े लोग थे, हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल, कहाँ पे गैदर्ड हुआ था, गैदर्ड होना मींस एक जगह पे जमा होना, ग्रुप बनाकर, ठीक है, ग्रुप, ग्राउंड ऑफ द स्कूल, स्कूल के ग्राउंड में जमा हुए थे, टू वॉच द परेड ऑन टीवी, क्या देखने के लिए, परेड देखने के लिए, कहाँ पर, टेलीविजन के ऊपर। ठीक है, गाँव में बेटा बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि एक पूरे गांव में बेटा एक या दो ही टीवी होते हैं किसी के घर में, तो वो लोग भी क्या कर रहे थे, वो स्कूल के ग्राउंड में टीवी लगाकर वो परेड देख रहे थे। सडनली द ग्राउंड स्टार्टेड शेकिंग, और अचानक से जो ग्राउंड था मीन्स जो जमीन थी जहाँ पे वो लोग खड़े थे, वो क्या होना शुरू हो गया, शेक होना, शेक होना मीन्स क्या हो गया था, वहाँ पे हलना शुरू हो गया था। पीपल वेर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, और लोग क्या है, स्कैर्ड हो गए, स्कैर्ड मीन्स डर गए, अफ्रेड, एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। ओके, और वहां पर वो लोग क्या है, रनिंग करने लगे, इधर से उधर भागने लगे।
नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू, और किसी को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है. ओके, नो वन न्यू, किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एंड वॉट टू डू, और क्या करना है. देर वॉज पैनिक ऑल अराउंड, वहाँ पे सभी के पैनिक हो गए, मीन्स डर का माहौल था सभी के अंदर, पूरे के पूरे गांव में, क्योंकि वो लोग बेटा अचानक से ऐसा हो गया, जमीन हिलने लगी और पूरे के पूरे स्कूल के पास या जो भी वहाँ पे ग्राउंड था हिलने लगा, तो सभी को क्या हो गया, वहाँ पे पैनिक हो गया, डरने लगे. ओके, नाउ टर्न द पेज बच्चों. इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज कोलैप्स्ड, और कुछ ही मिनटों में, इन फ्यू मिनट्स मतलब कुछ ही देर में, आवर विलेज वॉज कोलैप्स्ड. कोलैप्स का मतलब होता है बेटा जितने भी घर थे वो सभी के सभी क्या हो गए, गिर पड़े. देखो यहाँ पे आगे के पिक्चर में दिखाया गया है कि लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और किसी के घर या जो भी है बेटा, वो सभी के सभी ऐसे काटमाल वगैरह जो है गिर गए, और सामान कोई किसी के ऊपर गिर रहा है, कितना नुकसान हुआ, आगे हम पढ़ते हैं. ओके, ऑल आवर थिंग्स सच एज क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स, फूड एक्सेट्रा वेयर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द रेकेज. ओके, तो जितनी भी उनकी चीज़ें थी, सच एज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, जो भी उनके क्लोथ्स थे, पॉट्स जो भी उनके मटके वगैरह या जो भी जो बेटा पॉट्स वगैरह होते हैं, बासन वगैरह, देन ग्रेन्स खाने की चीज़ें, फूड मतलब खाना एक्सेट्रा वेयर ट्रैप, कहाँ छुप गए थे, कहाँ अंदर चले गए थे बेटा, ट्रैप अंडर द स्टोन्स, तो जो भी पत्थर गिरे थे उन सब के नीचे वो ट्रैप हो गए थे, दब गए थे. मड एंड वुड फ्रॉम द रेकेज, ओके, और किसके नीचे, वहाँ पे कीचड़ में वो सब कुछ समा गए थे, और जो भी रैकेज हुआ, रैकेज मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो भी वहाँ पे घर बन के जो है बेटा भंगार के जैसे हो गए थे, तो उसे रैकेज बोला जाएगा, तो उसी के अंदर सभी चीज़ें दब गई. ओके, एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स, टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड. तो उस वक्त क्या है, एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स, तो लोगों को क्या करना था, सिर्फ दो ही चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी, टू सेव द पीपल, या लोगों को बचाओ, हु वर ट्रैप्ड, जो लोग फंस गए हैं, ट्रैप हो गए मीन्स जो लोग फंस गए उन्हें बचाओ, एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, और किससे ट्रीट करो, ट्रीट करना मतलब उनके उन्हें जो है अच्छे से जो भी दवाई वगैरह चाहिए या जो भी इंजर्ड हुए उन्हें क्या है लगा हुआ है उसे अच्छे से वो लोग क्या करें अस्पताल ले जाए या उन्हें अच्छे से ट्रीट करें. ओके, तो दो ही चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी, लोगों को बचाओ और इंजर्ड को ट्रीट करो. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, तो उनके विलेज में एक और हॉस्पिटल था, मीन्स वो एक ही हॉस्पिटल था, वॉज ऑल्सो डैमेज, तो वो भी क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, मतलब उसको भी नुकसान हुआ था. मैनी पीपल वेयर सीरियसली इंजर्ड, वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर भी क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उनके जान को लगा था, मीन्स उनकी बॉडी को या कहीं पर भी लगा हुआ था. द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, तो जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने लोगों को ट्रीट किया, कैसे किया, इसकी मदद से, विलेजर्स की मदद से. ओके, सिक्स पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, उनके वहाँ पे विलेज में कितने लोग मरे बेटा, सिक्स पीपल, ठीक है, छः लोग वहाँ पे मरे. माई ग्रैंड फादर नाना वॉज ऑल्सो बेरीड अंडर द रबल्स, ओके, तो उसके उसमें से एक नाना जो उसके ग्रैंड फादर थे वो भी कहाँ पे दब गए, अंदर बेरीड हो गए, मतलब वो भी काठमांडू के अंदर वहाँ पे दब गए. माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, और उसकी मदर जो थी हमेशा वेप्ट करने लगी थी, मतलब रो रही थी. सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, उसकी मदर को देख के वो जासमा जो है वो भी क्या कर रही थी, क्राई कर रही थी. द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब इन एगनी, तो पूरा का पूरा विलेज ऐसा हादसा होने की वजह से क्या हो गया, सैड हो गया, दुख में दुख करने लगा और डिस्टर्ब हो गए. ओके, द हाउस ऑफ मोटा बाबू पापू हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज लेस डैमेज, तो जो मोटा बापू जो है वो कौन है, हु इज़ द सरपंच, वो हमारे गांव के सरपंच है, ठीक है, उनका हाउस जो था वॉज लेस डैमेज, तो उनके हाउस को जो है बच्चों डैमेज कम हुआ था. ही गेव राइस एंड वीट फॉर एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन, अब उनका उनके वहाँ पर डैमेज कम हुआ, उनको नुकसान कम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को राइस दिए एंड वीट गेहूँ दिए. ओके, फॉर एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन, तो उसके गोडाउन में जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी, राइस एंड वीट, उनकी उसके गोडाउन में से उन्होंने क्या किया, उन्हें खाने को दिया. फॉर मैनी डेज द विलेज वीमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरी वन, तो मैनी डेज मतलब बहुत दिनों तक, द विलेज वीमेन कुक्ड, तो जो भी गाँव की औरतें थी उन्होंने कहाँ पर खाना बनाया, साथ में मिलकर फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस,
तो सभी ने मिलकर क्या किया, मोटा बापू के हाउस में खाना बनाया एंड फेड एवरीवन, और सभी को खिलाया. ओके, इमेजिन बीइंग विदाउट हाउस इन द कोल्ड विंटर. अब हमको यहाँ पे इमेजिन करने को बता रहे हैं कि वो बोल रही है लड़की जस्मा के बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर. तो कोल्ड विंटर में मतलब ऐसी ठंडी के अंदर हाउस के बिना हो जाना कैसा लगता है. ओके, ड्यू टू फियर एंड कोल्ड वी वर नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट. ओके, अब उन लोग क्या कर रहे थे, ठंडी की वजह से और डर की वजह से, ठीक है, डर और ठंडी की वजह से वो लोग रात में सो नहीं पा रहे थे. ऑल द टाइम वी वर वरी डैट व्हाट इफ एन अर्थक्वेक वुड ऑकर अगेन. और हमेशा वो लोग यही सोचते थे कि क्या पता अर्थक्वेक वापस से आ जाएगा और वापस उन्हें क्या है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है. ओके, सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आज पार्ट वन हम यहीं पे फिनिश करते हैं. ओके.